हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आज हम सीखने वाले हैं मेल मर्ज। मेल मर्ज एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जिसकी बहुत नीड होती है लोगों को, डेटा एंट्री ऑपरेटर या बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव के अंदर। इससे रिलेटेड बहुत सारे काम, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। इसमें हम करने क्या वाले हैं, पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेल मर्ज होता क्या है, थोड़ा सा बताने वाली हूँ आप लोगों को। तो मेल मर्ज बेसिकली क्या करता है कि मान लीजिए कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं और उस डॉक्यूमेंट को डिफरेंट डिफरेंट लोगों तक पहुंचाना है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट या जो इन्फॉर्मेशन है वो सेम है, लेकिन जिन तक आप वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं वो लोग अलग अलग हैं। तो यहाँ पे करना क्या है कि मान लीजिए मैं एक नोटिस निकालने वाली हूँ और उस नोटिस को मैं हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स हैं मेरे पास, उनको मुझे भेजना है या उनके लिए ये लेटर तैयार करना है। तो अगर मुझे 100 लोगों के लिए लेटर तैयार करना है तो क्या मैं 100 बार वो लेटर लिखूंगी, 100 टाइम्स वो लेटर मुझे लिखना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए मैंने मेल मर्ज ऑप्शन का यूज किया। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मेल मर्ज ऑप्शन को हम यूज करेंगे। इससे हमें हेल्प क्या होगी कि आपको क्या करना है कि 100 लोगों तक वो लेटर पहुंचाना है, 200 लोगों तक वो लेटर पहुंचाना है, या 500 या 1000 आप सब तक वो लेटर रेडी कर सकते हैं। तो इसमें करना क्या होता है कि हमें दो चीजें ध्यान रखनी होती हैं और वो दो चीजें मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। एक होता है इन्फॉर्मेशन लेटर, जो भी आपका लेटर होता है जिसको आप दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, और दूसरा होता है एक डेटा सोर्स। डेटा सोर्स के अंदर होता क्या है, बेसिकली वो रिकॉर्ड्स होते हैं जिनको आप वो लेटर सेंड करने वाले। मान लीजिए कि मैं एक बर्थडे इनविटेशन रेडी करने वाली हूँ और मैं अपने पार्टी में बहुत सारे लोगों को इनवाइट करने वाली हूँ, तो जिन जिन लोगों को मैं इनवाइट करने वाली हूँ उनका एक रिकॉर्ड मुझे मेंटेन करना पड़ेगा, और उसको हम यहाँ पे बोलते हैं डेटा सोर्स। तो डेटा सोर्स क्या हो गया, इसके अंदर हम रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने वाले हैं जिनको हम वो लेटर सेंड करेंगे। और इन्फॉर्मेशन लेटर जो होता है इसके अंदर हम वो रिकॉर्ड रखते हैं, वो लेटर, लाइक अगर हम यहाँ पे बर्थडे इनविटेशन बना रहे हैं तो मैं यहाँ पर इनविटेशन लेटर जो है यहाँ पर बनाने वाले, तो जो भी इनविटेशन लेटर होगा आपका वो आप यहाँ पर इसके अंदर रेडी करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। तो इनविटेशन लेटर को हम यहाँ पर बोल रहे हैं इन्फॉर्मेशन लेटर, मतलब कि मेन डॉक्यूमेंट, इसको हम जानते हैं मेन डॉक्यूमेंट के नाम से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेन डॉक्यूमेंट, जो कि हमारा होगा इन्फॉर्मेशन लेटर, मींस इनविटेशन लेटर जो आप यहाँ देख रहे हैं, जो लिखा हुआ है यहाँ पर। इसके अलावा एक होता है डेटा सोर्स। तो डेटा सोर्स का मतलब होता है कि जब आप यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि ये रिकॉर्ड आप किसको भेजेंगे, तो वो हो गया आपका डेटा सोर्स। तो बेसिकली हमें यही करना है, इन्फॉर्मेशन लेटर को डेटा सोर्स के साथ हम मर्ज कर देंगे, मर्ज मीन्स जोड़ देंगे, इससे हमारा एक प्रॉपर लेटर रेडी हो जाएगा। तो हम कुछ वही करने वाले हैं। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं एक बारी। देखिए यहाँ पे मैंने एक इन्फॉर्मेशन लेटर रेडी किया है जो कि मेरा इन्विटेशन लेटर है बर्थडे का। इसमें मैंने बहुत सारी चीजें करी हैं, अट्रैक्टिव बनाया है, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, बॉर्डर्स लगाए हैं बलून से रिलेटेड, ये एक दो ग्राफिक्स लगाए हैं मैंने, एक हैप्पी बर्थडे का पिक्चर है और एक कैप है, बर्थडे कैप, और यहाँ पे कंटेंट मैंने लिखा है जो भी इन्फॉर्मेशन लेटर में आपको देना है, जो भी मेन डॉक्यूमेंट में आपको देना चाहते हैं। अब टू के बाद मैंने कुछ भी नहीं लिखा है जिसके लिए आप ये लेटर बना रहे हैं। बेसिकली होता क्या है, जब भी आप कोई लेटर बनाते हैं टू के बाद हम अपने रिसिपिएंट्स के नाम लिखते हैं जिसके पास ये लेटर जाने वाला है, एंड नीचे हम लिखते हैं जो सेंडर है। एक रिसीवर हो गया और सेंडर हो गया, सेंडर में मैंने तो नाम लिख दिया है लेकिन रिसीवर में मेरे पास इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है। तो हमारा मेन यही काम है। अब इस लेटर को मैं कितने लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ उसके अकॉर्डिंग मुझे रिकॉर्ड बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या होगा, आप मेलिंग टैब में जाएंगे। मेलिंग टैब के अंदर आपको यहाँ इस ग्रुप में देखना है स्टार्ट मेल मर्ज। स्टार्ट मेल मर्ज के अंदर स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन में आपको यहाँ से एक ऑप्शन मिलेगा लेटर्स। लेटर्स हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये मेरा एक डॉक्यूमेंट, एक इन्फॉर्मेशन लेटर है, तो मैं इसको इन्फॉर्मेशन लेटर में कन्वर्ट कर देती हूँ। इससे फिलहाल कोई चेंजेस अभी आपको नहीं दिखेंगे। नेक्स्ट आपको इसके बाद क्या करना है, सिलेक्ट रिसिपिएंट ऑप्शन पे जाना है, जहां आपको दो ऑप्शंस यहाँ पे ध्यान देने हैं,
एक है टाइप न्यू लिस्ट और एक है यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट। टाइप न्यू लिस्ट ऑप्शन हम यूज करते हैं, मैं क्लिक करके आपको दिखाती हूँ, जिसमें आप रिकॉर्ड्स बना सकते हैं जो डेटा सोर्स मैंने आपको बताया, जिसमें बहुत सारे कॉलम्स आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर। इन कॉलम्स को अगर देखना है, एडिट करना है, कुछ डिलीट करना है इसमें से कोई कॉलम, तो कस्टमाइज कॉलम ऑप्शन बटन पे आप क्लिक करेंगे। तो इस बटन पे क्लिक करते एक और विंडो ओपन हो गई है आपके यहाँ पर, और इस विंडो को आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं जो इस इनविटेशन लेटर के लिए रिलीवेंट कॉलम्स आप चाहते हैं वो सारे कॉलम्स आप यहाँ रख सकते हैं। अदर जितने भी कॉलम्स है आप उनको पिक कीजिए और यहाँ से कर दीजिए डिलीट जो आपको अनवांटेड लग रहे हैं, जो आपको कॉलम्स नहीं चाहिए। आफ्टर दिस आप ये सारी चीजें एडिट कर लेंगे, डिलीट कर देंगे। अगर आपको लगता है कि कोई कॉलम मुझे यहाँ पर ऐड करना है जो कि यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो आप इस ऐड बटन पे क्लिक करके वो कॉलम ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई नाम चेंज करना है, लाइक जिप कोड को हम पिन कोड अगर रखना चाहें, तो आप यहाँ रीनेम पे जाके क्लिक करेंगे। मैं दिखाती हूँ वापस, मैंने उस पर क्लिक किया जिप कोड पे एंड देन क्लिक ऑन रीनेम। रीनेम से आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं। तो मैं जिप कोड को पिन कोड में कन्वर्ट करने वाली हूँ, तो ये जिप कोड कन्वर्ट हो गया पिन कोड में। होम फोन मुझे नहीं चाहिए, डिलीट कर दिया। यहाँ एक शॉर्टकट भी है डिलीट करने की, ऑल्ट प्लस डी। आप ऑल्ट डी अगर प्रेस करेंगे तो ये जो कॉलम्स हैं आप शॉर्टकट से डिलीट कर सकते हो। और एक चीज और है यहाँ पर जिसको हम डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं इसका, एक फील्ड एक बार में ही डिलीट होगी, आप जितने चाहे उतने फील्ड वन बाय वन या एक साथ उसको डिलीट नहीं कर सकते, वन बाय वन ही होगा। ठीक है, तो मैंने जो भी फील्ड मुझे नहीं चाहिए थे वो मैंने हटा दिए हैं, अब कुछ इतने फील्ड मैंने रखे हैं। आप इसको कर दीजिए ओके। ओके से आपके वो सारे कॉलम जो आपने मॉडिफाई किए थे वो आपको यहाँ दिख रहे हैं। अब करना क्या है, इसके अंदर आप प्रॉपर जो रिकॉर्ड डालना चाहते हैं वो रिकॉर्ड आप डाल सकते हो, जो भी एड्रेस है वो आप डाल सकते हैं, जो भी सिटी है आप वो डाल सकते हैं, जो भी पिन कोड है आप वो डाल सकते हो। तो इस तरीके से जितने भी नाम आप यहाँ डालना चाहें वो नाम आप यहाँ पर डाल सकते हैं एड्रेस के साथ, और रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। अब जैसे मैंने बात की थी कि मैं 500 लोगों तक ये मेल पहुँचाना चाहती हूँ या लेटर बनाना चाहती हूँ लोगों के लिए, या मुझे 100 लोगों के लिए मेल बनाना है, तो जितने लोगों के लिए मेल बनाना है या जितने लोगों के लिए ये लेटर बनाना है मेनली, उतने रिकॉर्ड्स आप इस टेबल के अंदर फिल करेंगे। मुझे 100 रिकॉर्ड्स का चाहिए, यहाँ पे जो लेटर है मुझे 100 लेटर्स चाहिए सेम डेटा के, तो मैं 100 रिकॉर्ड्स यहाँ पे मेंटेन करूंगी जिनके जिनके नाम से ये लेटर इनविटेशन लेटर मुझे बनाना है। आफ्टर दिस जितने भी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप करनी है, वो करने के बाद आप इस ओके बटन पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने से क्या होगा, एक विंडो खुलेगी और ये विंडो आपको लेके जाएगी सेव एड्रेस लिस्ट के लिए, कि आपने जो रिकॉर्ड यहाँ अभी अभी उस टेबल में फिल किया था वो था डेटा सोर्स। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फोल्डर भी लिखा आ रहा है माय डेटा सोर्स, जिसका डिफरेंट ये पाथ है, लेकिन अगर आप नॉर्मली फाइंड करेंगे तो शायद ये पाथ आपको डायरेक्टली ना मिले। तो इसके लिए आप लोगों को इजी करने के लिए मैंने यहाँ पे फोल्डर बनाया है डेस्कटॉप पे, एंड डेस्कटॉप पे जाइए बर्थडे फोल्डर आपको मिलेगा, और यहाँ पे आप मेलिंग लिस्ट यहाँ पे नाम डाल के जो भी आप नाम देना चाहें हैप्पी बर्थडे करके, तो आप वो नाम डाल सकते हैं। डालने के बाद आप उसको डायरेक्टली सेव कर दीजिए और कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, तो मैंने यहाँ से इसको सेव कर दिया। अब इतना सेव करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये कुछ ऑप्शंस हाईलाइट हो गए, पहले ये इस तरीके से फेड आ रहा था, क्योंकि रिकॉर्ड्स बनाने के बाद ही ये ऑप्शंस आपको हाईलाइट होंगे, इसकी हेल्प से ही आप बाकी का काम मेन मर्ज का कर सकते। तो मुझे करना क्या है, मुझे रिसिपिएंट्स के नाम मैंने यहाँ नहीं लिखे थे, तो मैं रिसिपिएंट्स के लोकेशन पे जाऊंगी, थोड़ा गैप बनाऊंगी जहाँ मुझे लिखना है या मुझे एंट्री यहाँ पे डालनी है, और उसको मैं पिक करके लेके आऊंगी। तो सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट रिसिपिएंट पे आप वापस जाइए। सबसे पहले आपने रिकॉर्ड बनाया था, अब उसी रिकॉर्ड को आप उठा के लेके आएंगे यहाँ इंसर्ट करने के लिए। तो मैं जाऊंगी यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट पे, और हम जाएंगे यहाँ से डेस्कटॉप पर, क्योंकि डेस्कटॉप पर ही हमने फोल्डर बनाया है और उस फोल्डर के अंदर ही हमने रिकॉर्ड सेव किया है। तो हमने अभी हैप्पी के नाम से रिकॉर्ड सेव किया था, बेसिकली मुझे वो उठाना है, लेकिन मैं वो नहीं ले रही हूँ क्योंकि उसमें मैंने रिकॉर्ड सारे नहीं डाले। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक रिकॉर्ड बना के रखा है मेलिंग एड्रेस लिस्ट, और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे एक रेड कलर की के साथ आ रहा है
दो फाइल्स और एक आ रहा है ब्लू कलर के साथ। तो ये नॉर्मल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लेटर डॉक्यूमेंट है जिसको हमें अभी नहीं ओपन करना, वो ऑलरेडी ओपन है। हमें चाहिए मेलिंग लिस्ट एड्रेस, तो आप इसको पिक कीजिए जिसमें हमारे रिकॉर्ड्स हैं और इसको कर लीजिए ओपन। जब भी हम फाइल ओपन करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो यहाँ आपको स्क्रीन पे दिखती है वो फाइल ओपन हुए, लेकिन यहाँ पर अभी नहीं दिख रही है क्योंकि वो एक डॉक्यूमेंट नहीं है, वो एक एड्रेस लिस्ट है, डेटा सोर्स है। तो डेटा सोर्स आपको इस वाले ऑप्शन से ही दिखेगा। आप एडिट रिसिपिएंट पे क्लिक कीजिए और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कितने रिकॉर्ड्स मेंटेन किए थे। आप चाहे तो इस रिकॉर्ड को एडिट भी कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक कीजिए इस छोटे से ऑप्शन पे, एडिट करके आप यहाँ पे और भी रिकॉर्ड्स बना सकते हैं अगर आपको नीड है तो। फिलहाल मुझे इसको यहाँ पे ओके कर देना है, यहाँ से मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ मैं दिखाने के लिए आपको ओपन किया था। नेक्स्ट आपको क्या करना है, एक नेक्स्ट ग्रुप मिलेगा, राइट एंड इंसर्ट फील्ड का ग्रुप, और ये ऑप्शन आपको ध्यान देना है इंसर्ट मर्ज फील्ड का। तो मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मिलेगा फर्स्ट नेम, एड्रेस 91, सिटी, जिप कोड एंड ईमेल एड्रेस। ये वो सारे ऑप्शंस हैं जो मैंने वो रिकॉर्ड बनाते टाइम मेंटेन किए थे। तो मैं यहाँ से पिक करूंगी फर्स्ट नेम, मैं यहाँ से प्रीव्यू हटा देती हूँ, एक बार आपको दिखाती हूँ ओरिजिनली कैसा दिखता है वो। फर्स्ट नेम लिखने के बाद मैंने स्पेस दिया एक, वापस जाएंगे आप, अब लेंगे एड्रेस और एंटर प्रेस करेंगे। जैसे आप उसको दिखाना चाहते हैं, जो भी आप रिसिपिएंट की डिटेल्स हैं, आप वैसे ही पिक कर सकते हो। सिटी के साथ स्पेस दे दिया और उसके बाद मैंने दे दिया जिप कोड। तो यहाँ फर्स्ट नेम के साथ दिखेगा एड्रेस, सिटी के साथ दिखेगा जिप कोड एंड नीचे दिखेगी उसकी ईमेल आईडी। अगर आप ईमेल आईडी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसको छोड़ भी सकते हैं। तो मैंने वो सारे डिटेल्स यहाँ पे डाल दिए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ फील्ड्स नजर आ रहे हैं, मीन्स कॉलम की हेडिंग नजर आ रही है, लेकिन इन कॉलम्स के अंदर जो डेटा था बिफोर प्रीव्यू आपको ऐसा ही दिखेगा, आफ्टर प्रीव्यू आपको रिकॉर्ड दिखेंगे। तो मैंने क्लिक किया प्रीव्यू रिजल्ट पे, तो आप देख सकते हैं मीनर, उसका एड्रेस, उसका सिटी, उसका जिप कोड, पिन कोड जो हमने चेंज किया था रीनेम करके, एंड इसका ईमेल आईडी। तो इस तरीके से एक रिकॉर्ड तो यहाँ पे बन चुका है, एक लेटर रिसिपिएंट के रिकॉर्ड के साथ यहाँ पे दिख रहा है आपको। और अगर आप इसी के साथ बाकी रिकॉर्ड्स भी देखना चाहते हैं इसी जगह पर, तो आप यहाँ जाइए ऊपर प्रीव्यू रिजल्ट ग्रुप में, जहाँ वन देख रहे हैं इस एरो पे क्लिक करके, जो नेक्स्ट रिकॉर्ड का एरो है, तो आप चेंज करके देख सकते हैं। देखिए ये सिमरन का रिकॉर्ड आ चुका है, टू नंबर पे सिमरन है। थर्ड पे आपको मिलेगा कुणाल, एंड ऐसे ही रमन, एंड ऐसे ही केतन, और लास्ट वन इज नमन। तो ये टोटल 6 रिकॉर्ड हैं क्योंकि इसके आगे नहीं बढ़ रहा है। तो यहाँ से आप बैक करके भी जा सकते हैं। तो ये है फर्स्ट रिकॉर्ड का ऑप्शन, ये है लास्ट रिकॉर्ड का बटन, ये है प्रीवियस रिकॉर्ड, और ये है नेक्स्ट रिकॉर्ड। तो इस तरीके से हमने सारे के सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पर देख लिए हैं। अब रिकॉर्ड देखने के बाद आपको इसको मर्ज भी करना पड़ेगा, क्योंकि अभी सिर्फ हमारा एक ही लेटर है जो मीनल के रिकॉर्ड के साथ आपको दिख रहा है। मैं स्टेटस बार पे ले जाऊंगी आपको, आप यहाँ देखिए कि वन ऑफ वन, यहाँ पे स्टेटस बार पे सिर्फ एक ही पेज नजर आ रहा है। आपने 6 रिकॉर्ड्स बनाए तो 6 के 6 हमें यहाँ देखने हैं। तो इसके लिए फिनिश एंड मर्ज वाले ग्रुप में आप जाइए, एंड फिनिश एंड मर्ज में आपको मिलेगा एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट। आप इस पे क्लिक कीजिए। एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट में कई सारे ऑप्शन है जो कि आपसे पूछता है कि आप कितने रिकॉर्ड्स यहाँ पर मर्ज करना चाहते हो। तो अगर आपको लगता है कि जितने भी रिकॉर्ड्स आपने बनाए वो सारे करने हैं, या आपने कोई एडिट किया था रिकॉर्ड करंट वो आपको यहाँ पे लेके आना है, या आपको कुछ रिकॉर्ड्स लेके आना है यहाँ से यहाँ तक का रिकॉर्ड, जैसे मेरे पास 20 रिकॉर्ड्स हैं, तो मुझे 11 टू 20 रिकॉर्ड्स ही मर्ज करने हैं, लेटर बनाना है उसका, तो आप ये भी कर सकते हो। तो मुझे बेसिकली यहाँ पे सारे रिकॉर्ड्स का लेटर बनाना है, तो मैं ऑल रिकॉर्ड्स को मर्ज करूंगी और ओके कर दूंगी। ओके करते ही आप टाइटल बार पे देखिए लेटर्स दिख रहा है। आपको याद होगा जब हमने बिगिनिंग में मेलिंग टैब में जाकर स्टार्ट मेल मर्ज में लेटर्स लिया था, अब ये मर्ज होने के बाद ही आपको दिखेगा लेटर्स। एंड हमने 6 रिकॉर्ड्स का लेटर बना लिया है, उसका ये प्रूफ है। आप यहाँ देखिए नीचे बॉटम में, और आपको दिखेगा वन ऑफ वन, वन ऑफ सिक्स। वन ऑफ सिक्स का मतलब है कि एक डॉक्यूमेंट में आपको 6 पेजेस नजर आ रहे हैं। ये जो फाइल है इसमें 6 पेजेस है। तो फर्स्ट रिकॉर्ड मीनल का है, मैं आपको थोड़ा सा बैक लेके जाऊंगी स्क्रॉल डाउन करके, एंड नेक्स्ट रिकॉर्ड इसके ठीक बाद आपको दिख जाएगा। ये देखिए, ये है सिमरन का रिकॉर्ड, और ऐसे ही आपको नेक्स्ट मिल जाएगा यहाँ पर, ये है कुणाल का, और इसी तरीके से आपको सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप जूम आउट करके देखिए, आपको सारे रिकॉर्ड्स यहाँ इजीली देख सकते हैं। 6 रिकॉर्ड्स थे,
छह रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग छह लेटर्स यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। तो इस तरीके से मेल मर्ज का आप यूज कर सकते हो और अपने काम को बहुत इजी कर सकते हैं, बहुत जल्दी आप काम कर सकते हैं। मेल मर्ज का यूज सिर्फ लेटर बनाने के लिए ही नहीं, आप मेल मर्ज के यूज से एनवलप एंड लेबल जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, एनवलप और लेबल्स भी बना सकते हैं। आप यहाँ पर सर्टिफिकेट डिटेल्स भी रेडी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे काम है जो कि मेल मर्ज ऑप्शन का यूज करके, मेलिंग टैब के जो ऑप्शंस हैं इनका यूज करके आप कर सकते हैं, और बहुत ही यूजफुल ऑप्शंस हैं। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। और इस अगर आप इसको इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है या कुछ भी है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके हमें बता सकते हैं, या इससे रिलेटेड और कौन सा वीडियो आपको देखना है आप वो भी सजेशन दे सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, हमारे चैनल सर्व शिक्षा अकेडमी को सब्सक्राइब भी कीजिए, एंड इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिए।